रूल्स ऑफ सक्सेस, सेवेंथ रूल फॉर सक्सेस इज चेंज योर एटीट्यूड विद योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स. अपने एटीट्यूड को, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं सर अपने एटीट्यूड को कैसे बदलें हम, आप अपने एटीट्यूड को सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से और अपने विचारों से बदल सकते हैं. इसके लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूं, ब्लूटूथ फियर, BTFEAR, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है. मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में दिया है जहां पे लोग इससे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को और बहुत बेनिफिट देता है. क्या है ये फॉर्मूला कि जैसा आपका बिलीव होगा वैसे ही आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपकी फीलिंग्स होंगी, जैसे आपकी फीलिंग होंगी वैसे आपके इमोशंस होंगे, जैसे आपके इमोशन होंगे वैसे आपके एक्शन होंगे, और जैसे एक्शन होंगे वैसे रिजल्ट्स होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां, माइंडसेट, सोच आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर नॉट हियर. सारी चीजें स्टार्ट होती हैं यहां से, जैसा सोचते हैं आप. थिंक बिग. तो सोच को कैसे बदलें आप अपनी, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं सिर्फ दो चीजों से. कैसे? अपने थॉट को चेंज करके और अपने वर्ड्स को. और अपने थॉट को कैसे आप चेंज करेंगे, अपने वर्ड को आप चेंज कर लें, आपके थॉट बदल जाएंगे. तो चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर थॉट्स. तो जो बोलते हैं आप दिन भर रात भर 24 घंटे उनको बदलना है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि दिन में 24 घंटों में कोई ना कोई एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हमारी दुआ जो है, हमारी जो बात होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है. लेकिन आपको ये नहीं पता कि 24 घंटों में वो कौन सा टाइम है जिस टाइम वो दुआ हमारी कबूल हो जाती है. अब आपको ये पता करना है कि आप जो बोलते हैं वो आप क्या बोल रहे हैं. आप अगर अच्छा बोल रहे हो, मान लीजिए वो दुआ कबूल का टाइम है, तो वो खट से एक्सेप्ट हो जाएगी. लेकिन आपने बुरा बोला कुछ और वो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आपकी लाइफ में वही सारी चीजें होती हैं. तो क्या करना है, अच्छा बोलना है. नहीं बोल सकते अच्छा तो अपना मुंह बंद रखें. कोई दूसरा भी अगर आपसे वो उल्टी सीधी बातें बोल रहा है कि बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उससे बोल दीजिए कि बेटा कम से कम बोलो तो अच्छा. नहीं बोल सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो. तो अपने वर्ड्स को, इसके लिए एफर्मेशंस हैं कुछ मेरे पास, अगर आप चाहें तो वो एफर्मेशंस मैं दे सकता हूं आपको, है ना. एक और वर्ड होता है इसका मतलब होता है तथास्तु. तथास्तु का मतलब होता है कि ऐसा ही हो. तो जब भी आप कुछ बोलते हैं अपने मुंह से और 24 घंटे में वो टाइम आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टाइम आपकी दुआ एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, है ना. तो आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, अपशगुन बोला आपने, जैसे बोला कि मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, और वो टाइम था दुआ कबूलियत का. भगवान ने कहा तथास्तु, आपकी दुआ एक्सेप्ट हो गई. तो आपका दिमाग कमजोर है, आप कभी ना कहें कि मेरा दिमाग कमजोर है. आप हमेशा कहिए आई हैव अ ब्रिलियंट माइंड. आपका माइंड नहीं भी तेज है लेकिन फिर भी आपका माइंड तेज हो जाएगा. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें इफेक्टिव हैं. आप जैसा बोलते हैं वैसी आपकी सोच बनती है, है ना. फेक इट अंटिल यू मेक इट. कि आपको बोलना है, जो भी आप बोलते हैं वही चीजें सच हो जाती हैं. तो अपने माइंड को, थॉट को कैसे चेंज करेंगे, बोल के. आप में से देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सर हमें कुछ याद नहीं रहता है. नो नेगेटिविटी. आपको क्या करना है, आप बोलिए मुझे हमेशा सब कुछ याद रहता है, क्योंकि उस टाइम दुआ कबूलियत का है और वो दुआ खट से कबूल हो जाएगी. भगवान बोलेंगे तथास्तु, ऐसा ही हो. तो आप ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये होता है वो होता है, मेरी किस्मत ही खराब है. आपकी किस्मत खराब नहीं है, लेकिन आपने बोला और वो टाइम था एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्ट हो गया. तो क्या करना है, चेंज योर थॉट, चेंज योर वर्ड्स. अपने वर्ड्स को और अपने थॉट्स को चेंज करना है और आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए. ठीक. तो रूल नंबर 7, चेंज योर एटीट्यूड विद योर थॉट्स. एटीट्यूड का पूरा एक चैप्टर है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी. अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें, आपको वो मिल जाएगा.